हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के मैं इस वीडियो में इंडियन टेलीविजन की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हिमांशी पाराशर के बारे में कुछ बातें लेकर आई हूं। तो आज के इस वीडियो में हिमांशी पाराशर यानी कि आप सबकी चहेती साहिबा के बारे में छोटी सी छोटी बातें और बड़े से बड़ी बातों को आपके सामने लाएंगे। तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना और एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हिमांशी पाराशर की फैमिली के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में, उसके मिस इंडिया बनने के बारे में और उनकी मॉडलिंग और एक्टिंग करियर की शुरुआत के बारे में जानेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम इस वीडियो के अंत में हिमांशी पाराशर के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताने वाले हैं जो कि किसी को भी नहीं पता होंगे। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाली हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हिमांशी का पूरा नाम हिमांशी पाराशर है और हिमांशी का जन्म 30 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश में पारंपरिक हिंदू परिवार में हुआ था। हिमांशी पाराशर के फैमिली में उनके पापा, उनकी माता और उनके एक बड़े भाई है। बात यदि हिमांशी पाराशर के एजुकेशन की करे तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई डीएवी स्कूल दिल्ली से की है। इसके अलावा उन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी की है। हिमांशी पाराशर का एक एक्टर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था। जी हाँ दोस्तों, वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि करण मेहरा हैं। करण मेहरा शादीशुदा थे और करण मेहरा की वाइफ ने हिमांशी और करण पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। के साथ ही करण और हिमांशी के कई सारे प्राइवेट चैट को भी उन्होंने लीक कर दिया था। जब ये घटना हुई थी उस समय ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी का विषय बना हुआ था और चारों तरफ बस इसी का चर्चा था। तो दोस्तों, ये थी बात उनके पास्ट की। लेकिन यदि उनके करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट में हिमांशी अपने आप को सिंगल बताती है और उनका फिलहाल कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो गाइज, ये कुछ उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें थी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हिमांशी पाराशर के करियर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिमांशी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। एक फेमस मॉडल बनते ही हिमांशी बहुत सारे सॉन्ग्स और एल्बम में नजर आने लगी। गाइज, हिमांशी पाराशर ने साल 2022 में एक मूवी में भी काम किया था जिसका नाम था बब्बर। अभी फिलहाल हिमांशी स्टार प्लस के बेहद ही पॉपुलर शो तेरी मेरी डोरिया में साहिबा का किरदार निभा रही है। इसके अलावा हिमांशी फेमिना मिस इंडिया यूपी 2018 भी रह चुकी है। तो दोस्तों, ये थे हिमांशी पाराशर के जिंदगी से जुड़े कुछ बातें। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हम हिमांशी पाराशर के बारे में कुछ अननोन फैक्ट को जानेंगे। हिमांशी पाराशर को एक्वाफोबिया है और पानी से बहुत ज्यादा डरती और इसीलिए जब हिमांशी पानी में कोई सूट करती है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और अपना सूट कंप्लीट करती है। इसी के साथ यदि हिमांशी पाराशर के हॉबी के बारे में बात की जाए तो उनको खेलना, डांस करना और फिर योगा करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों, ये थी आप सबकी चहेती साहिबा के बारे में एक अननोन फैक्ट। आपको हिमांशी पाराशर के नए शो तेरी मेरी डोरिया में साहिबा का रोल कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इसके साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक यानी अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। थैंक यू। अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस और अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में जानकारी लेने के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।